नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 1 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 24 है तथा ये 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, यहाँ पे लिखेंगे आप कक्षा व अपना भाग, भाग यानी कि जो आपका सेक्शन है वो लिखेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे आप अपने कक्षा के अध्यापक अथवा अध्यापिका का नाम। ये वर्कशीट मैथ्स की है। जैसा कि आप टॉपिक से देख सकते हैं, माइंड टीजर यानी कि दिमागी खेल टॉपिक का नाम है, वर्कशीट इसी के ऊपर है। चलिए मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। नीचे कुछ दिमागी खेल दिए गए हैं। उन्हें दिमागी खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में उथल पुथल मचाकर उसे चुस्त बनाते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए एक व्यायाम की तरह है। जिस प्रकार आप अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए कुछ गतिविधियाँ करते हैं, उसी प्रकार ये गतिविधियाँ हमारे दिमाग के लिए एक व्यायाम की तरह होती हैं। अगर आप इन्हें करने में कभी कठिनाई का अनुभव करें तो आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, दो डब्बों यानी कि ब्लॉक्स में आई संख्याओं को एक साथ जोड़कर नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। आपकी मदद के लिए एक उदाहरण दिया गया है। पहले मैं आपको जो उदाहरण दिया गया है उसे समझाऊंगी और उसके बाद हम जो अन्य दो ब्लॉक हम लोगों को दे रखे हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां एरो बना हुआ है वहां पे आपको टोटल यानी कि जो योग है वो लिखना है 12, 8। इसका योग एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका योग यहाँ लिखना है। सो 12 + 8 यानी कि 12 + 8 होता है 20। ऐसे ही यहाँ करेंगे 8 और 2, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आता है 10। फिर यहाँ करेंगे 2 और 18, 2 और 18 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। अब देखिए, अब एरो किधर है, 20 और 10 का एरो यहाँ बना हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 में 10 जमा करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 30। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ते हैं तो भी हमारा उत्तर 30 ही होता है। सबसे ऊपर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स को जमा करना है, जोड़ना है, टोटल करना है। 30 और 30, 30 + 30 होते हैं 60। इस प्रकार हमारा पहला ब्लॉक पूरा हो चुका है। दूसरा ब्लॉक करते हैं बच्चों, 9 और 6। 9 और 6 कितने होते हैं, 15। फिर 6 और 4, 6 + 4 10। 4 = 11, 4 + 11 होता है आपका 15। ऐसे ही हमें ऊपर भी जाना है, जैसे आप इस वाली में देख रहे हैं कि हम ऊपर गए हैं। फिर हम जमा करेंगे 15 और 10 को, 10 और 15 हमारा होता है 25। इसी प्रकार से 10 और 15 को जमा करेंगे तो यहाँ भी होगा 25। और सबसे ऊपर 25 और 25 को हम जमा करेंगे तो 50 हमारा उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वर्कशीट यहाँ पे पॉज करके अंतिम वाला अपने आप कर सकते हैं। जिसे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ करिए। 6 और 6, 6 + 6 = 12 होता है। फिर 6 + 2 = 8 होता है। 10 + 2 = 12 होता है। फिर से जोड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, 12 + 8 = 20। इसी प्रकार यहाँ भी 12 + 8 = 20। सबसे ऊपर वाले में हमें क्या करना होता है, सबसे ऊपर वाले में हम 20 और 20 को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों 40। इसी प्रकार हमने पहला प्रश्न पूरा कर लिया है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने चौकोर हैं। पहले आप अपना अनुमान लगाइए, क्या ये 15 से ज़्यादा हैं या कम, क्या ये 20 से ज़्यादा हैं या कम। इसके पश्चात इन चौकोरों को गिनिए और मालूम कीजिए कि आपका अनुमान सही है या नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दे रखा है। तीसरे प्रश्न में जो आप ये ब्लॉक देख रहे हैं ये दूसरे प्रश्न का है। पहले आपसे पूछा गया है कि बताइए, अंदाजे से आपको बताना है कि ये 15 से कम है या 15 से ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो ये 15 से ज़्यादा है,
आप अंदाज़ा लगाइए। फिर पूछा है कि क्या ये 20 से कम है या 20 से ज़्यादा, तो मुझे तो ये 20 से कम लग रहा है। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बच्चों ये 15 से ज़्यादा और 20 से कम है, कुल कितने डब्बे हैं? 16। सो दूसरे प्रश्न का आपका आंसर क्या है? 16। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अब अंत में ये वाला प्रश्न ऊपर वाले सेकेंड प्रश्न के लिए है। अब अंत में आपके लिए कुछ शारीरिक व्यायाम, 1 मिनट तक उठक बैठक कीजिए और गिनिए कि आपने कितनी बार उठक बैठक की, 1 मिनट तक रस्सी कूदिए और गिनिए कि आपने कितनी बार रस्सी कूद करिए। तो बच्चों ये काम आपको अपने आप करना है, क्योंकि दिमाग की कसरत तो आपने कर ली, अब आप करेंगे शरीर की कसरत। उसके लिए बोला गया है कि आपको पहले 1 मिनट तक उठक बैठक करनी है और फिर 1 मिनट तक रस्सी कूदनी है। तो चलिए बच्चों आप ये करिए, हम मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।